नमस्कार दोस्तों, तो दो दिन पहले स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 मार्केट में लॉन्च हो गया था और मैंने उसके साथ स्नैपड्रैगन ही जनरेशन 1 का जो कंपैरिजन वीडियो मैंने बना दिया है आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का जो सबसे नज़दीकी कॉम्पिटिटर जो कि मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 9000, तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। और आप लोगों ने ये चीज़ों से भी देखा ही हो कि स्नैपड्रैगन ही जनरेशन 1 परफॉर्मेंस के मामले में डायमेंसिटी 9000 से थोड़ा सा बेटर है। तो इस बार हम देखेंगे कि ये जो नया वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ है ये डायमेंसिटी 9000 के मुकाबले कितना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी सीपीयू रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ये बस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब Q2 2022 में लॉन्च हुआ है। लेकिन जो डायमेंसिटी 9000 वो लॉन्च हुआ है पिछले साल के आखिर में, मतलब नवंबर के आसपास, इसका मतलब Q4 2021 पे लॉन्च हुआ था। तो अगर हम दोनों के कोर काउंट की अगर बात करें, इधर दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और दोनों पे आपको एक प्राइम कोर, 3 परफॉर्मेंस कोर और 4 पावर एफिशिएंसी कोर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर की अगर बात करें, इस बार दोनों ही प्रोसेसर में आपको 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर मिलेगा। दोनों का ही जो मैन्युफैक्चर वो एक्चुअली है TSMC कंपनी की तरफ से, लेकिन जो पिछले बार का स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 वो था एक्चुअली सैमसंग की तरफ से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पिछले वाला जनरेशन उसमें आपको बहुत ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिला था। तो इसके बाद अगर हम दोनों के कैश मेमोरी के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसमें आपको 10 MB का टोटल कैश मेमोरी मिलेगा, लेकिन जो डायमेंसिटी 9000 उसमें आपको टोटल 14 MB के आसपास कैश मेमोरी मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी जितना ज़्यादा होगा उस प्रोसेसर का ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो एप्पल का लेटेस्ट प्रोसेसर उसमें आपको 30 MB के आसपास कैश मेमोरी मिलता है। तो इसीलिए एप्पल का जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस वो उतना ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसी भी प्रोसेसर। तो इसके बाद आप दोनों के कोर टाइप की अगर बात करें, इधर आपको दोनों पे ही एक कोर्टेक्स X2 कोर मिलेगा, उसके साथ 3 कोर्टेक्स A710 कोर और उसके साथ 4 कोर्टेक्स A510 कोर मिलेगा। डायमेंसिटी में जहां पर आपको मिलेगा कोर्टेक्स X2 कोर का स्पीड 3.05 GHz, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन में आपको मिलेगा 3.2 GHz। डायमेंसिटी में जहां पर आपको जो A710 परफॉर्मेंस कोर उसका स्पीड मिलेगा 2.85 GHz, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे परफॉर्मेंस सीरीज के कोर का स्पीड है 2.8 GHz। और इसके अलावा दोनों पे जो पावर एफिशिएंसी कोर मतलब कोर्टेक्स A510 दोनों का स्पीड है 1.8 GHz। तो इसका मतलब अगर हम बेटर क्वालिटी सीपीयू स्पीड के बारे में बात करें उस मामले में स्नैपड्रैगन ऑब्वियसली इधर बेटर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में। तो ये जो स्नैपड्रैगन और डायमेंसिटी दोनों पे आपको क्वाड चैनल रैम का सपोर्ट मिलेगा। डायमेंसिटी में जहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट जनरेशन का LPDDR5X वाला रैम का सपोर्ट, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा LPDDR5 रैम का सपोर्ट। डायमेंसिटी में रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3750 MHz, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz। डायमेंसिटी में रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 60 GBPS और स्नैपड्रैगन पे रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 51.2 GBPS। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट में इधर डायमेंसिटी ऑब्वियसली बेटर है। तो इसके बाद आनंद के मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें, इधर दोनों पे आपको EMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के कैमरा ISP के बारे में। तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको लेटेस्ट जनरेशन का AAA 18-bit ISP देखने को मिलेगा। जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 उसका इमेज प्रोसेसिंग स्पीड है 3.2 GPS/s और जो डायमेंसिटी 9000 उसका इमेज प्रोसेसिंग स्पीड है 9 GPS/s। तो मतलब ऑन पेपर जो मीडियाटेक का आईएसपी वो डेफिनेटली मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बेटर है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन। और इसके बाद अगर हम दोनों के कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, तो ये जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 उसमें आपको सिंगल कैमरा में 200 MP तक, डुअल कैमरा में 64 और 36 MP तक और ट्रिपल कैमरा में 36 MP तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो डायमेंसिटी 9000 उसमें आपको सिंगल कैमरा में 320 MP तक, डुअल कैमरा में कितने मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, और ट्रिपल कैमरा में आपको 32 MP तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। तो मतलब इधर बेटर क्वालिटी मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 9000 ऑब्वियसली बेटर है। तो इसके बाद अगर हम वीडियो कैप्चर की अगर बात करें, तो ये जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसमें आपको 8K वीडियो 30 FPS पे,
4K वीडियो 120 FPS पे, फुल HD वीडियो 240 FPS पे और 720p स्लो मोशन वीडियो 960 FPS पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 में आपको कोई भी 8K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर हम 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 120 FPS तक का सपोर्ट। और इसके अलावा अगर हम फुल HD या फिर 720p स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसमें आपको कितना FPS मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उसमें आपको मैक्सिमम 4K तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा और जिसका रिफ्रेश रेट होगा 60Hz। लेकिन अगर हम 2K प्लस या फिर फुल HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मैक्सिमम 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर डायमेंसिटी में आपको मैक्सिमम 2K प्लस क्वालिटी का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट होगा 144Hz। लेकिन अगर हम फुल HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मैक्सिमम 180Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए जितना मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द बजट रेंज में बहुत सारे प्रोसेसर लॉन्च हो सकता है जिसमें आपको डायमेंसिटी 9000 और उसके साथ 180Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में। तो अब देख सकते हैं कि इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको 300 मेगाहर्ट्ज वाला सब 6GHz का सपोर्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा 865 5G मॉडेम, लेकिन डायमेंसिटी में आपको कौन सा 5G मॉडेम मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। स्नैपड्रैगन पे 5G में डाउनलोड स्पीड है 10 Gbps, उसी जगह पे डायमेंसिटी में 5G का डाउनलोड स्पीड है 7 Gbps। स्नैपड्रैगन पे 5G का अपलोड स्पीड है 3.5 Gbps और डायमेंसिटी में 5G का अपलोड स्पीड है 2.5 Gbps। स्नैपड्रैगन पे आपको फास्ट और MMO 5G का सपोर्ट मिलेगा लेकिन डायमेंसिटी में आपको इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। और दोनों पे आपको 3GPP रिलीज 16 वाला 5G नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। तो मतलब इधर हम यही चीज कह सकते हैं, बेटर क्वालिटी 5G स्पीड, 5G मॉडेम या फिर MMO सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इधर डेफिनेटली बेटर है। तो इसके बाद अगर हम दोनों के नेटवर्क रिलेटेड कुछ बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो दोनों पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6E, ट्राइबैंड वाईफाई और नेविक का सपोर्ट। नेविक मतलब इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ग्राफिक्स कार्ड। तो ये जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 730 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि किस मेगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन डायमेंसिटी 9000 में आपको मिलेगा माली G710 MC10 क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड जो कि 850 मेगा स्पीड पर रन कर रहा है। और अगर हम दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू AnTuTu GPU स्कोर ये जो नया वाला स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसने स्कोर किया है 4,68,000 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 ने स्कोर किया है 3,93,000 के आसपास। तो इसका मतलब AnTuTu GPU में दोनों के बीच में 70,000 के आसपास स्कोर का डिफरेंस मिलेगा। और अगर हम सेंचुरियन GPU के बारे में बात करें, काजारी की स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का सेंचुरियन GPU में स्कोर है 142 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 का सेंचुरियन GPU में स्कोर है 135 के आसपास। तो मतलब घुमा फिरा के यही चीज कह सकते हैं, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू डायमेंसिटी 9000। और इसके बाद अगर हम दोनों के AnTuTu स्कोर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का AnTuTu वर्षन 9 में स्कोर है 1,18,000 के आसपास। और उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 का AnTuTu वर्षन 9 में स्कोर है 10,17,000 के आसपास। तो इसके मतलब दोनों प्रोसेसर के AnTuTu स्कोर के बीच में आपको 1,00,000 का AnTuTu का डिफरेंस मिलेगा। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के गिगबेंच स्कोर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसका सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 1,330 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 1,270 के आसपास। तो मतलब सिंगल कोर के मामले में दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम। और अगर मल्टी कोर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन ने इधर स्कोर किया है 4,200 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 ने स्कोर किया है 4,300 से भी ज्यादा। मतलब मल्टीकोर के मामले में एक्चुअली डायमेंसिटी 9000 थोड़ा सा बेटर है। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो इस जगह मैं हर बार की तरह एक सिंगल चार्ट में दिखाऊंगा कि दोनों के बीच में एक्चुअली क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते, अगर इस दोनों प्रोसेसर के बीच में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा फास्टर CPU, बेटर क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड मतलब GPU, 8K वीडियोग्राफी का सपोर्ट, 4K क्वालिटी का डिस्प्ले का सपोर्ट और बेटर क्वालिटी नेटवर्क, आपको टोटल 5 फीचर देखने को मिलेगा जो कि डायमेंसिटी 9000 पे एब्सेंट है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप डायमेंसिटी 9000 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा कैश मेमोरी जो कि एक CPU के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है, LPDDR5X क्वालिटी का रैम का सपोर्ट जो कि एटलीस्ट आज के दिन में तो काम में नहीं आएगा लेकिन 1 या 2 साल बाद डेफिनेटली काम में आएगा, 320 मेगापिक्सल तक का कैमरा मोड और 180Hz का रिफ्रेश रेट।
तो मतलब वीडियो के आखिर में चीजों को समझ में आ गया होगा, ये जो दोनों प्रोसेसर दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इधर डायमेंसिटी 9000 से भी बहुत ही ज्यादा आगे। लेकिन पिछले बार का केस टोटली अलग था, मतलब स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 उसमें बहुत ज्यादा हीटिंग इशू था, ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था। इसका रीजन क्या है, कहा जा रहा है कि उसमें आपको सैमसंग की तरफ से 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर मिल रहा था, तो इसीलिए उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन क्योंकि इस बार टीएसएमसी कंपनी की तरफ से 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर मिल रहा है, तो इसीलिए क्वालकॉम ब्रांड की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि इस बार पिछले बार के मुकाबले 10% परफॉर्मेंस में इंक्रीज मिलेगा और 30% थर्मल मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट और 30% पावर मैनेजमेंट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब वीडियो के आखिर में हम यही चीज कह सकते हैं, ये दोनों प्रोसेसर के बीच में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 डेफिनेटली बेटर है। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है आज के छोटा सा सीपीयू कंपैरिजन वीडियो को जरूर पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे सीपीयू कंपैरिजन वीडियो अगर डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।